नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल क्रेजी एबीसीडी। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन दादा कुछ एक्शन फिल्मों के बारे में। पहली बाजी, 1984 में यह फिल्म आई थी। इस फिल्म मिथुन, धर्मेंद्र, रेखा थे। यह बहुत ही एक्शन बाधा से भरपूर फिल्म थी। यह फिल्म सुपरहिट हुई थी, कहीं इसको फ्लॉप भी कहते हैं, लेकिन यह फिल्म सुपरहिट हुई थी। उसके बाद है सबसे लोगों की पसंदीदा मूवी गुलामी, जिसमें धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, अनीता राज थे। इसमें बेहतरीन गाने भी थे। यह फिल्म एक्शन से भरपूर थी, बहुत ही मजेदार थी। यह फिल्म 1989 में आई थी। यह एक सुपरहिट फिल्म थी। उसके बाद आई सबसे बेहतरीन, आपको ही पसंद होगा, कमांडो। मिथुन, मंदाकिनी, टैनी, असरानी, शक्ति कपूर, हेमंत विरजे, अमरीश पुरी, शशि कपूर जैसे मजे हुए कलाकार से एक्शन मार धाड़, जबरदस्त एक्शन, देशभक्ति मूवी थी। यह एक सुपर हिट फिल्म थी। इस फिल्म मिथुन दादा मंदाकिनी की बेहतरीन जोड़ी थी। इसमें बहुत ही एक्शन था। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उसके बाद एक मूवी आई थी हिरासत, दो भाइयों के प्रेम की कहानी थी। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, हेमा मालिनी आदि थी। बहुत ही तगड़ी फिल्म थी। इस फिल्म में बहुत ही मारधाड़ एक्शन था। इसमें अनीता राज थी हीरोइन मिथुन जी के साथ। उसके बाद आई वारदात, मिथुन और काजल किरण की, 1981 में। शुरू में मिथुन चक्रवर्ती, यह एक एवरेज फिल्म थी वारदात। इसमें बहुत ही एक्शन था, बहुत ही मारपीट थी इस फिल्म में। उसके बाद आई हवालात, 1987। यह ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनीता राज, शत्रुघ्न सिन्हा थे इसमें। यह फिल्म एक हिट फिल्म थी। यह फिल्म में बहुत ही एक्शन मारधाड़ था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।